श्री शिवाय नमस्तु। 33 कोटि देवताओं को बिठाकर तब भगवान शंकर ने हाथ में गंगा का जल लेकर उस अश्व पर छोड़ा तो उसको कपूर बना दिया, कपूर बनाकर उसको यज्ञ में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु से कहा, सुनो विष्णु। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अचूक उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर ये कपूर के रूप में ये अश्वमेध यज्ञ के अश्व को दान दिया गया है। अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य यदि अपने घर में आरती पूजन में कपूर को प्रज्वलित करेगा तो उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसी समय पर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हर आरती के पूजन के बाद कपूर का टुकड़ा जलाया जाता है। कपूर, कपूर की बड़ी महत्वता है हमारा। यदि घर में क्लेश मचा हुआ है, बहुत अशांति है, बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत ज्यादा क्लेश, तो कपूर के 4 टुकड़े कर लीजिए और 4 टुकड़े कर चारों दिशा में घर में रख दीजिए। कितना भी झगड़ा चल रहा होगा, कितना भी क्लेश मचा होगा, शांति हो जाएगी अपने आप, अपने आप शांति हो जाएगी 5 या 7 मिनट के अंदर। बस कपूर के टुकड़े को 4 दिशा में रख, शिव का स्वरूप है अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करने वाला। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है, आनंद के अनुभव होने लगे, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब आगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।